Assalamu alaikum. Tayyab Hassan, Pakistan. Today our topic is first degree of motion. Our first question. For that, we will take a graph. Velocity and time. Time we have taken SSL. This is an independent quantity. And dependent quantity is velocity. We have taken it on the y-axis. Now here, ग्राफ की लाइन ए बी मोशन को जाहिर कर रही है. एक गाड़ी उसके निश्चित वेलोसिटी जो है वी आई है, उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और ये वी एफ हो गई है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे दिखाया हुआ ग्राफ के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखाया है. ये उसकी वेलोसिटी है निश्चित वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी को वी सब आई से ज़ाहिर करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी एफ वी सब एफ से ज़ाहिर किया जाता है. ये ए बी इसकी मोशन को ज़ाहिर कर रही है. ए बी को हम एक्सेलरेशन से डिनोट करते हैं क्योंकि जब हम राइज ओवर रन फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर तो ये स्लोप आ जाएगी. ए बी का स्लोप, ए बी का स्लोप किसके बराबर है? राइज ओवर रन के. तो खाब ए बी का स्लोप ए के बराबर और ये राइज इसमें बी सी है, रन इसमें ए सी है. तो ए बराबर बी सी ओवर ए सी. अब हम बी सी की वैल्यू निकालते हैं. हमें पता है कि ये टोटल लाइन बी डी है. तो बी डी ये बराबर है बी सी प्लस सी डी के. जब इसमें से हम इक्वेशन से बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका तरीकाकार ये होगा कि बी सी प्लस सी डी माइनस सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी. ये इधर से कैंसिल हो जाएगा तो बी सी इक्वल टू बी डी माइनस सी डी आएगा. अब इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे बी सी की तो ए एक्सेलरेशन ये बराबर होगा बी डी माइनस सी डी के. और ग्राफ के अंदर देखें यहाँ पर ए सी और ओ डी ये तो पैरेलल है और एक इनकी क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पर ए सी की जगह पे ओ डी भी लिख सकते हैं. अब इनके दूसरे नामों को देखिए कि ओडी टाइम उजागर कर रहा है तो यहां पर आप ओडी की जगह पे टाइम टी लिखता है. बीडी ये डिनोट कर रहा है बीएफ को और सीडी ये इनिशियल वेलोसिटी को. अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी. जब हम दोनों तरफ वी आई एड करेंगे वी आई प्लस वी आई इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी तो ये हमें अंतर की पहली मसावात मिल गई. वी एफ बराबर वी आई प्लस ए टी. अब सवाल है कि इस मसावात का बेनिफिट क्या है, क्या एडवांटेज है इसका. तो अगर हमें फाइनल वेलोसिटी का पता हो, इनिशियल वेलोसिटी का पता हो, टाइम का पता हो तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. इसी तरह से अगर फाइनल वेलोसिटी का पता हो, इनिशियल वेलोसिटी का पता हो, एक्सेलरेशन का पता हो तो टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है. इन चार क्वांटिटी में से अगर तीन का इलम है तो चौथी क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम.